वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वाज यूपीएचएससी केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन एंड आई हैव आल्सो गिवन दिस एग्जामिनेशन, सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ इट्स क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अ जनरल पार्ट। जनरल पार्ट वाज यू नो लिटिल बिट टफर बिकॉज मीन्स इट वाज इजी बट यू नो बिकॉज वी आर नॉट लाइक स्टडिंग दिस पार्ट रेगुलरली, सो फॉर अस इट इज लिटिल बिट लाइक कॉम्प्लिकेटेड। So generally some questions are okay, as you can see the question paper. Most of the YouTube channel has given its answer also, so you can match this general knowledge questions from those channels. Okay, so some questions I have given answers like this is a common question, emergency has declared in India, so it has never been declared in India. Then Indian Institute is located in Dehradun. Okay, so another questions are like Indian Institute of Ecology is in New Delhi. Then so just look at the question. And we will focus on this chemistry part because this chemistry part was our this thing main area. So this question number 31, the correct answer is D because it is TiCl4 ki presence mein reaction ho rahi hai. So I think this reaction reagent is Tebbe's reagent जो कि एल्कीन का फॉर्मेशन करता है बिकॉज TMS दिया हुआ है। TMS एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये लीव कर जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये जो सी डबल बॉन्ड और CH3 है यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज एंटीसेप्टिक। वी नो दैट इमिडाजोल इज अ गुड एंटीसेप्टिक। देन इन एरोमेटिक कंपाउंड द कार्बन एटम फॉर्मिंग रिंग्स आर, सो वी नो दैट इट इज SP2 हाइब्रिडाइज्ड। फिर वॉल्डन इनवर्जन रिएक्शन ऑफ PCl5 मेलिक एसिड इज SN2 टाइप। देन 3-methyl-1,5-hexadiene हीटेड टू 300 डिग्री सेल्सियस 1,5-heptadiene इज फॉर्म्ड। आई थिंक इट इज अ क्लेशन रीअरेंजमेंट वेयर 3-3 सिग्मा टॉपिक दिस थिंग हैज हैपेंड। देन द पॉइंट ग्रुप ऑफ PCl5 इज वी नो दैट D5H। सो केमिस्ट्री क्वेश्चन वॉज ऑल्सो ओके बट बिकॉज we were thought the exam pattern would be like NET or gate type, but these questions are entirely different, means very basic questions and and in these basic questions generally hum bahut sari mistake karte hain, so this question was like set accordingly so that bachche zyada se zyada isme silly mistake kare और देखने में इजी लगे। बाय लुक इट्स लुक लाइक ओके इट इज इजी बट जनरली लॉट्स ऑफ सिली मिस्टेक हैपेंस। ओके, अनदर क्वेश्चन इज दिस, इसमें दिया हुआ है एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का पॉइंट ग्रुप OH दिया हुआ है। बोल रहा है कि अगर हम उसको एक लिगेंड से चेंज करते हैं और उसके सिस वाले में दो लिगेंड से चेंज करते हैं तो पॉइंट ग्रुप क्या होगा। तो C4V एंड C2V ये दो पॉइंट ग्रुप इसके निकलेंगे। और ऐसे ही इसमें ये भी क्वेश्चन है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल का क्वेश्चन पूछा था, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री पूछी है। तो आप लोग एक बार पहले एक सारा क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का देख लो, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको आराम से बैठ के मैं कल तक का टाइम लूँगी। आई विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड देन आई विल ब्रिंग द कंप्लीट सॉल्व्ड आंसर, ठीक है, क्वेश्चंस विद ऑल आंसर्स। सो दिस इज अ क्वेश्चन, जस्ट हैव अ लुक वंस so that you get to know, those who have not given this exam they'll get to know what type of question asked in this time. Okay, so this is a question paper. देखिए पटानो बुची से एक रिएक्शन आई थी, उसके बाद फिर यहाँ से फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन आई है, ऑन सागर इक्वेशन से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, फ्लोरेसेंस से 2-3 क्वेश्चंस आए हैं, फिर ये क्वेश्चंस आई हुई हैं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट थोड़ा कम था, जनरली जो पूछता है वो ज़्यादा पूछता है, बट इस बार मुझे ऐसा लगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम पूछी है, फिज़िकल ज़्यादा थी। तो जिनकी फिज़िकल अच्छे से प्रिपरेशन है उनके लिए बहुत सही पेपर है ये।
सारा क्वेश्चंस एक बार देख लो और फिर इसकी अच्छे से आंसर्स मैं आपको कल परसों तक लेके आऊँगी. ओके, सो जस्ट वंस गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट केमिस्ट्री पेपर. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.